हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, लास्ट टाइम मैंने ट्रायल बैलेंस कराया था। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो एक बारी जो है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, या फिर जो पहली वाली वीडियो मैंने तसल्ली से आपको समझाई थी उसको आप जाकर देख लीजिए प्लीज़। तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था ट्रायल बैलेंस हम दो तरीके से बनाते हैं। एक होता है पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम प्रोसेस फॉलो करने का मतलब क्या है, पूरा हम जर्नल बना रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे और अकाउंट्स का जो बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग पता है आप लोगों को क्या होता है, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड घटाया। जैसे डेबिट साइड का टोटल 1 लाख, यहाँ का 60,000, बच कितना गया 40,000, तो ये बैलेंस बीडी बन जाता है फिर। और फिर ये जो बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस को हम कहाँ डालते हैं, ट्रायल बैलेंस में। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस, तो मैंने आपको समझाया था ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल लेजर। जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, उन सबका क्या है मेरे दोस्त, एक स्टेटमेंट है। इट शोज दी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो ज़्यादातर जो मेथड चलता है ना ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए, वो ज़्यादातर मेरे दोस्तों कौन सा मेथड चलता है, बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड चलता है, बैलेंस मेथड। समझ में आई बात, हम ICAI का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो क्लास है वो सभी बच्चों के लिए रेलिवेंट है, चाहे वो CA फाउंडेशन हो, CMA फाउंडेशन हो, या फिर CUET वाले स्टूडेंट्स हैं, 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले हैं। 11th में खाली बैलेंस मेथड के क्वेश्चंस गिवन है, बट आप समझिए यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों, तो लेजर बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस ध्यान रखना एक पार्टिकुलर डेट पे बनता है। ट्रायल बैलेंस रोज रोज नहीं बनाया जाता। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बेसिस फॉर प्रिपरेशन, ये मैंने आपको पहले बताया। ट्रायल बैलेंस आधार बनता है फाइनल अकाउंट। आपका एक चैप्टर आएगा इसके बाद, हम ट्रायल बैलेंस के बाद जो फाइनल अकाउंट समझेंगे बाद में, तो हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस बेसिस बनता है। किस चीज़ का बेसिस बनता है मेरे दोस्तों, फाइनल अकाउंट बनाने का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है वो इनेबल कर रहा है हमें। ट्रायल बैलेंस किस चीज़ में इनेबल कर रहा है, इनेबल 1 to एस्टेब्लिश वेदर द पोस्टिंग एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसेस हैव बीन कैरिड आउट विदाउट कमिटिंग अर्थ में। तो ट्रायल बैलेंस हमें जो हमारी जमा घटा वाली गलतियाँ हैं उनको अर्लियर स्टेज पर ही पता लगाने में हेल्प करता है। समझ आई बात या नहीं। अगर हम ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो रहा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है, जो जमा घटा की जो एरर्स है वो नहीं हुई है, टोटलिंग या बैलेंसिंग वाली। इन अदर वर्ड्स, ट्रायल बैलेंस हेल्प टू एस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये हो चुका है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्री ट्रायल बैलेंस, अदरवाइज द वर्क में भी कम्बर्सम। मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तभी हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो अगर कहीं सस्पेंस वगैरह आ गया तो पहले सस्पेंस को पता लगाया जाता है, या फिर हम ये देखते हैं कि हमने डबल एंट्री एस्पेक्ट में कौन सी चीज़ छोड़ दी है अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली होता है ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से, और हम एक जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, तो जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारा एक सेकंड ऑब्जेक्टिव है, पहले ट्रायल बैलेंस हमारा सही बनना चाहिए। द ट्रायल बैलेंस सर्व एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटेन इन लेजर। ट्रायल बैलेंस जो लेजर की समरी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर देखो जो ट्रायल बैलेंस, या आपने कोई अकाउंट बनाया, अकाउंट का जो बैलेंस निकाला आप लोगों ने वो आया है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम करके भी दिखाया था। बाकी आज हम लोग तीनों मेथड्स को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे और चैप्टर खत्म कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी है नहीं। ठीक है बच्चों, इसके बाद ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट देख ले बेटा कैसा है आगे जो, थोड़ी फॉर्मेट इस तरीके का रहता है, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो नेम ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आप क्या भी लिख सकते हो बेटा, नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का क्या नाम है। ठीक है, उसके अलावा LF किस लिए आता है, क्योंकि लेजर से बैलेंसेज उठा रहे हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, टोटल और बैलेंस। अब ये टोटल और बैलेंस का क्या चक्कर है, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। ज़्यादातर जो है हम बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि बैलेंस मेथड अच्छी प्रेजेंटेशन शो करता है, बढ़िया क्लियर पिक्चर शो करता है, बट हम टोटल मेथड भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये लिमिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना 2 मार्क्स में भी आ सकता है लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो क्या लिमिटेशन, अ ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन ऑल द जर्नल। अब देखो, ट्रायल बैलेंस उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएगा जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने ही भूल गए, फुल्ली ओमिशन आप इसको कह सकते हो। अगर किसी ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं है। जैसे कि आपने कोई 1,000 रुपये की फ़ीस रिकॉर्ड करना छोड़ दिया, 1,000 का कोई खर्चा रिकॉर्ड करना छोड़ दिया, तो आपने डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं करा, उसका क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन एंटर्ड इन बोथ द कॉलम। तो देखो, ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशन है कि ट्रायल बैलेंस टैली होने का ये मतलब नहीं होता है कि सब कुछ ओके है,
आप ट्रायल बैलेंस टैली होने का ये कह सकते हो कि अर्थमेटिकल एरर्स नहीं हुई हैं, जमा घटा की गलतियां नहीं हुई हैं, बट ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा अगर हमने एरर और प्रिंसिपल करी है। अगर आपने रेंट की जगह मशीनरी को डेबिट करा है तो भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं है, जवाब दो बेटा। रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन एंटर्ड इन बोथ, रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन मैंशन इन जर्नल, जर्नल में गलत अमाउंट चढ़ा दिया तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो यही बात लिखी है, वन शुड नॉट दैट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल, एग्रीमेंट का मतलब मैच करना, इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कंक्लूसिव प्रूफ है। इन अदर वर्ड्स, इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सम एरर्स में रिमेन, कुछ एरर्स अभी भी रह सकती है। एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड, एक एंट्री को तुमने पोस्ट ही नहीं करा, एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो बच्चों ये सब ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी ये सब गलतियाँ हमारी रह जाती है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के कुछ नेगेटिव्स थे ये। अब व्हाट आर द मेथड्स, तो मेरे दोस्तों बड़े आसान आसान से तीन मेथड है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, 15 मिनट के अंदर ही। एक टोटल मेथड है, और एक कौन सा मेथड है मेरे दोस्तों, टोटल मेथड के बाद कौन सा मेथड है, बैलेंस मेथड है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, और दूसरा क्या है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है बेटा, समझ में आई बात या नहीं। अब मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, क्या है, अब टोटल मेथड में हम क्या करते हैं, जो जैसे जितने भी आपने लेजर बनाए ना, उन लेजर का डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखेंगे। जैसे इसका डेबिट का टोटल देखो कितना है, 25,10,35,35,500, तो डेबिट का टोटल कितना है, 35,500। बैलेंस को छोड़ दो, बैलेंस को छोड़ के इसका टोटल करो क्रेडिट साइड का। अगर आप बीकॉम वाले स्टूडेंट हो, सीए वाले बच्चे हो, तो आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड है, 11th वाले बच्चे हो तो आप अपने माइंड से करो। 3,000 जमा का 2,500, ठीक है मेरे दोस्तों, 3,000 जमा 2,500 जमा का 21,000 जमा 1,500, तो देखो इसका टोटल कितना आया, 28,000। कितना आया मेरे दोस्तों टोटल, 28,000। तो आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल अपने दिमाग में रखो, डेबिट का इतना, फर्नीचर का जैसे डेबिट का कितना आ रहा है, 3,000, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं तो बैलेंस निकाला इन्होंने। सैलरीज का डेबिट का टोटल आ रहा है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, बैलेंस तो एक अलग चीज़ होती है ना बेटा, बैलेंस तो हम फाइंड आउट करते हैं। बोलो यार, बैलेंस तो क्या होता है मेरे दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर होता है। तो ये नहीं, आप जिस अकाउंट का जो भी, जैसे शाम की बात करते हैं तो शाम का 21,500 इसका तो बिल्कुल मैच तो नहीं कर रहा, इधर का 25,000 है तो शाम का इधर का 25,000 आ जाएगा, और डेबिट साइड का टोटल कितना है, 21,500। अब आप देखते रहे ना, ये जो मैं टोटल लिख रहा हूँ, ये तो बाई बैलेंस सीडी, तो बैलेंसिंग फिगर आया, इसको छोड़ दो, तो टोटल डेबिट साइड का ही है 26,000 का, कितने का है, 26,000। परचेज रिटर्न का खाली 500 रुपये है, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आया, तो इधर तो कुछ है ही नहीं इसका मतलब। राम का टोटल डेबिट साइड का 30,000 का है, क्रेडिट साइड का 25,100 रुपये का, ठीक है मेरे दोस्त। सेल्स का जो टोटल है, अच्छा सर ये आपको अकाउंट कहाँ से मिले, बेटा अकाउंट आप जर्नल से लेजर बनाओगे, जर्नल बनानी आप सब बच्चों को आती है, लेजर बनानी आती है, तो वहीं से आप समझो, मैं जर्नल लेजर बना के थोड़ी टाइम वेस्ट करता रहूँगा। तो 30,500 हो गया ये, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आपको जर्नल लेजर नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, मैं जर्नल की फिर आपको अलग से लिंक शेयर करूँगा, या फिर आपके पास मेरा नंबर है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, या फिर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको जर्नल पूरा चैप्टर मिलेगा, लेजर भी मिलेगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न है, तो ये रहा, ये बैलेंसिंग फिगर है, समझ आई मेरे दोस्त। तो इसका खाली डेबिट साइड का टोटल है, कैपिटल का क्रेडिट साइड का 10,000 है, और डेबिट साइड का कितना है, 500। बेटा बस समझ में आ रही है, अब बस अब आप टोटल मेथड से जब आप करोगे तो टोटल टोटल उठा लो, जब आप कैश का टोटल उठाओगे तो 35,500, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 28,000। चेक करो, कैश का आ गया 35,500 और 28, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर फॉर्मेट ऐसा बनेगा, डेट या सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टोटल डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड, बात समझ आई बेटा। तो कैश का डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पर, उसके बाद बताइए सारे बच्चे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैश के बाद फर्नीचर, फर्नीचर का क्रेडिट साइड का तो मैं तो कुछ था ही नहीं, तो डेबिट डेबिट में आएगा खाली 3,000 रुपये। यही चीज़ आपको सीखनी है, आपने पहले आज से पहले कभी ऐसा ट्रायल बैलेंस नहीं बना। ओ बंद कर भाई इसको यार, साइलेंट पे लगा ले, पता नहीं कहाँ से बंद किया था इसने, सारी वीडियो की ऐसी मार दी तूने। चलो जी सर, इसके बाद सैलरीज का देख लेते हैं सारे बच्चे। सैलरीज हमारा खर्चा है, तो डेबिट साइड टोटल आ जाएगा 2,500 रुपये,
ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद शाम का डेबिट सड़क का टोटल कितना है, शाम का क्रेडिट का 25 है, डेबिट का 21,500 है। तो चेक करो आप, देखो यहाँ पर शाम का दोनों में होगा 25,000 भी होगा और 21,500 भी। समझ आई भाई? तो ये टोटल मेथड में है, बाकी अल्टीमेट तो वही है यार, डेबिट क्रेडिट तो आपस में कैंसिल हो जाता है, फिर बैलेंस बचता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसा आपको करना है। अब परचेज का खाली डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का कुछ है ही नहीं, तो खाली डेबिट साइड में आएगा 26,000 रुपये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, राम का अगर हम देखते हैं तो डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, डेबिट में 30 है, क्रेडिट में 25,100 है, तो दोनों तरफ आएगा 30,000 और 25,100। समझ आ गई बात? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कहाँ चला गया राम के बाद, सेल्स खा क्रेडिट है खाली 30,500, चेक करो सेल्स का 30,500, सेल्स रिटर्न खाली डेबिट है। ठीक है मेरे दोस्त, कैपिटल का देखो दोनों हैं, कैपिटल का क्या है, दोनों है। कहाँ है कैपिटल हमारे पास, ये रही कैपिटल, 10,000 रुपये क्रेडिट, 500 रुपये डेबिट। आगे बात समझ? अरे ये क्या कर दिया उन्होंने, अच्छा बैलेंस मेथड से दिखाया, अच्छा तो 10,000 रुपये क्रेडिट, 500 रुपये डेबिट, खत्म। तो ये था मेरे दोस्तों टोटल मेथड, कौन सा मेथड था ये, टोटल। अब बात करते हैं बैलेंस मेथड, तो बैलेंस मेथड तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बोलो हाँ या ना, नहीं आता बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में जो बैलेंस सीडी होता है ना, उसके अपोजिट में बैलेंस बीडी बनता है, हाँ जहाँ बैलेंस बीडी होता है। अब देखो ये बैलेंस सीडी यहाँ पर है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना, अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो डेबिट बैलेंस है। तो बैलेंस बीडी जब आप दिखाओगे तो ये अपोजिट साइड में आता है अगले महीने की 1 तारीख को, 7,500। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जब कभी भी आप बुक्स को रीड करोगे तो कई बार पुरानी किताबें आपको मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस आपको मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो मैंने समझाया था कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इनके कौन से बैलेंस होंगे, डेबिट, कैपिटल लायबिलिटीज इनकम रिवेन्यू इनकम, इन सब के कौन से बैलेंस होंगे, क्रेडिट। तो ऐसी सब चीज़ें अब आप देखो, अगर एनालाइज करोगे तो बैलेंस मेथड में बस खाली बैलेंस बीडी देखना, जैसे कैपिटल का उठा लेते हैं तो 10,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस था, 500 रुपये माइनस हुआ, बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर आया, ये दिखने में डेबिट साइड आ रहा है, यहाँ कमी है, जहाँ कमी होती है वहाँ बैलेंस सीडी आता है, और अपोजिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, अगले महीने के स्टार्टिंग के लिए बैलेंस बीडी, यानी कि इतने कैपिटल हमारी इतने की है, तो 9,500 मेरे दोस्तों क्रेडिट बैलेंस है, वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे लगता है आप लोग इसको कर लोगे, बोलो हाँ है ना। तो बैलेंस मेथड में जिस जिसका जो जो बैलेंस आया, बैलेंस को आप दिखा देना, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है मैच होगा। टोटल एंड बैलेंस मेथड में दोनों दिखाते हैं, एक बार टोटल का कॉलम दिखा दिया, एक बार बैलेंस का, ठीक है। आप पहले टोटल बैलेंस दिखा सकते हो, जैसे इन्होंने टोटल का लास्ट में दिखाया है, और फिर बैलेंस का पहले दिखा दिया, इन दोनों को मिक्सअप करके बनाते, समझ में आई बात या नहीं है, बोलो मेरे दोस्तों। और कई बार जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, ध्यान रखना, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो उस केस में आप सस्पेंस अकाउंट के क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, समझ में आई बात या नहीं है बच्चों। तो जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री, कई बार हमें पता नहीं चलता ना कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है, कई बार हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब देख लेंगे। तो जब ट्रायल बैलेंस आपका एग्री नहीं होता है, आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर इंक्लूडिंग कैश एंड बैल आल्सो एरर्स आर नॉट लोकेटेड, तो देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियाँ हमारे से स्वाभाविक हो जाती है। तो कई बार जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो और ना हम गलती पता लगा पाए कि ये सस्पेंस डिफरेंस क्यों आ रहा है, उस केस में हमें अपना अगला काम तो रोकना नहीं है, अगला काम तो हमें करना ही है। तो अगला काम जब हमें करना है तो मेरे दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर देंगे। कौन सा यूज़ कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एरर है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में, जर्नल में, लेजर में, पोस्टिंग में, कहीं पर भी कुछ ना कुछ एरर है,
और उस एरर को हम पता लगा नहीं पाए। दिस इज टेम्प्रेरी अकाउंट ओपन टू प्रोसीड फर्दर। देखो वही बात लिखी है ना, टेम्प्रेरी अकाउंट है आगे फर्दर प्रोसीड करने की। अरे बोलो बच्चों, तो बहुत आसान सा चैप्टर है। अब आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही रखे हैं क्या रूल्स होते हैं। फटाफट बताओ, कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, सेल्स के क्रेडिट, परचेज के डेबिट, सेल्स रिटर्न के डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, हमारे डेटर होते हैं, हमारी एसेट है। पेबल क्रेडिट, बोलो हाँ है ना, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। डेबिट, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट है। डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम है। क्रेडिट, इंश्योरेंस पेड है तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट। अब इन्होंने टोटल करा होगा, टोटल मैच हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं कर लोगे मेरे दोस्तों। तो अब आप ऐसे और भी क्वेश्चंस प्लीज़ ट्राई कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत ही सारी बातें बताई थी। एडजस्टेड परचेज क्या है, COGS क्या है, कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा और कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है, वाली वीडियो हमारा एक अभी एंट्रेंस के लिए एक अलग चैनल बनाया है जिसका नाम है संजय कुमार एजुकेटर। आप सर्च कर लीजिए, उसमें मेरी फ़ोटो लगी मिलेगी आपको। आप प्लीज़ वहाँ से जाकर वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो ये वाला भी सिंपल सा क्वेश्चन है। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया हैज़ आस्क यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 में, टिल डेट ही हिमसेल्फ हैज़ रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन एज अ बेसिस ऑफ फॉर ऑडिट मिस्टर सिंघानिया फंड। अब कहता है भैया आप प्लीज़ बना दो। तो सिंघानिया कैपिटल ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट साइड में, लीजोड प्रीमाइसिस ठीक है, सेल्स क्रेडिट से, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे लेने तो गलत हो गया, कस्टमर से पैसे लेने तो हमारे डेटर बन जाएंगे, और डेटर बन जाएंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज इज डेबिट ठीक है, परचेज रिटर्न ये गलत है, ये क्रेडिट में आएगा। लोन फ्रॉम बैंक ठीक है, ट्रेड पेबल ये गलत हो गया है, लायबिलिटी है। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैश एट बैंक, बीपी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट कर देंगे। सैलरी वेज ठीक है, इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक तो आ जाता है ट्रायल बैलेंस में ठीक है, क्योंकि वो परचेज में एडजस्टेड नहीं है, अगर एडजस्टेड परचेज की बनोगे तो। रेंट एंड टैक्सेस ठीक है, सेल्स रिटर्न ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न के बैलेंस डेबिट होते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, और मिसेस सिंघानिया दैट ही हैड रिकवर्ड ट्रांजेक्शन एंड ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाने कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से मैच हो जाएगा, समरी नोट कर लेना। तो मेरे दोस्तों, मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, प्रोविजन के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, ये गलत है। प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन किसका पार्ट है, प्रॉफिट का है, तो इसलिए इसके बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व भी ध्यान रखना, रिजर्व इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो उसके बैलेंस भी क्रेडिट। ये प्रोविजन है, इसके बैलेंस भी क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और मुझे लगता है आपको सारे आइटम्स के बारे में पता होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बातों बातों में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अकाउंटेंसी में अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो मेरे दोस्तों आप मेरा नंबर सेव कर लो और मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं बिल्कुल आपके लिए करूँगा। मैंने काफ़ी सारा कंटेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए भी, बस आप अपने हिस्से की मेहनत करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।